हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपम एंड वेलकम बैक टू पाई ऑफ लाइफ। अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताता हूँ, साथ में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कैसे आप अपना व्यूज़ बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी बात होती है। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है यूट्यूब ने कुछ अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा और वो पॉलिसी क्या है बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यू YouTube जो आपके क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी की, पॉलिसी में क्या चेंजेस लाए हैं। अब YouTube आपके सारे वीडियोस में एड्स डालेंगे, भले वो एक नए क्रिएटर का हो या फिर कोई पुराने क्रिएटर का। यानी कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैनल नया है और मेरे जीरो सब्सक्राइबर्स हैं और जीरो व्यूज, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो कोई डाली नहीं है, तो जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में डालता हूं तो उसमें ऐड शुरू हो जाएगा। ये क्या चेंज आया है? चेंज ये आया, पहले ये चीज ये होता था जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता था, यानी कि आपके 1K आपके सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आपके वॉच आवर्स नहीं हो जाते, तब तक आपके चैनल में वो एड्स नहीं होती थी, क्योंकि वो एड्स के ऊपर ही आपको पैसा मिलता था। लेकिन YouTube ने अब इसे चेंज कर दिया है और आपके सारे वीडियोस में कोई भी वीडियो हो वो उस पर एड्स जरूर डालेंगे। रीजन क्या है? YouTube अब इससे पैसा कमाना चाहती है। तो क्या इंपैक्ट आएगा ये YouTube के प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स और यूजर्स के लिए? यूजर्स अब उनको ये चीज पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा चैनल नया है और कौन सा चैनल पुराना है। तो अब वो कोई भी वीडियो अगर वो देखते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि कितने व्यूज वो आए हैं उस वीडियो पे। तो अब वो जो डिफरेंस था पहले कि नहीं ये पुराना क्रिएटर है, ये नया क्रिएटर है, यूजर्स वो चीज नहीं कर पाएंगे। इसमें एडवांटेज क्या आ रहा है क्रिएटर के लिए? क्रिएटर के लिए ये एडवांटेज आ रहा है कि अब वो ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं पुराने क्रिएटर और नए क्रिएटर में। फॉर एग्जाम्पल होता क्या था पहले, जैसे कि मेरा अगर चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है तो मेरे वीडियोस में एड्स होंगे, तो यूट्यूब क्या करता था कि उन वीडियोस को पहले सजेस्टेड में दिखाता था, क्योंकि उसको उस एड से पैसे कमाने हैं और वही पैसे आपको क्रिएटर को भी देना है। लेकिन अब चूंकि दोनों वीडियोस में ही आपके एड्स रहेंगे, इस वजह से यूट्यूब दोनों को ही सजेस्टेड में दिखाएगा और जो वीडियो आपके जो भी आपके व्यूअर्स होंगे उनको पसंद आएगा वही आपके सजेशन में ऊपर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ है न्यू क्रिएटर्स के लिए कि हाँ, अब उनका जो आपका जो वीडियो होता था उनको ये चीज टेंशन होती थी कि उनका व्यू नहीं आता है, उनका रीच उतना ज्यादा नहीं है, यूट्यूब ने उसी रीच को बढ़ाने के लिए ही ये चीज किया है। तो न्यू क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। डिसएडवांटेज क्या है अब क्रिएटर्स के लिए? डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और मेरे वीडियोस पे एड्स चल रही है, तो उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो पैसा यूट्यूब कमा रही है। हाँ, ये जरूर होगा जैसे ही आपका आपका सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और 4000 वॉच टाइम हो जाता है, उसके बाद जो भी एड्स आपके चल रहे हैं आपके वीडियोस पे उसका आपको पैसा मिल जाएगा पहले की तरह। तो ये एक नया चीज लेके आया है। करंटली ये अभी उन्होंने अपने USA में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 2021 से ये पॉलिसीज पूरे आउटसाइड US भी चलेगा एज पर देयर पॉलिसी। और वो जो आर्टिकल है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई लगे नहीं ये तो आप ऐसे ही बता रहे हैं, तो आर्टिकल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अकॉर्डिंग ही अब आप वीडियोज़ बनाइएगा, क्योंकि वीडियोज़ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो फिर सर्च में आपका व्यूज नहीं आएगा। मेरा नाम था रूपम और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं आगे के वीडियोस में कि आपको YouTube में अब कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा पॉलिसी चेंज हो चुका है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे थे पाई ऑफ लाइफ।